मिलन की रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी, ये करंदे का मुरब्बा या करंदे का आप खट्टा मीठा अचार बोल लीजिए, क्योंकि ये सारे एक ही टाइप से बनते हैं, तो आप इसको जो नाम दे दीजिए। बस ये होता है कि इसमें थोड़े से मसाले कम या ज्यादा या अपने पसंद के अनुसार हम डालते हैं। तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सब्जियां जो है हमारी, वो सब्जियों के टेस्ट हमें अच्छे नहीं लगते या समझ नहीं आता ये बारिश वाले मौसम में हम क्या बनाएं, तो कुछ नहीं समझ में आता। तो ये करौंदे का आप मुरब्बा या करौंदे का खट्टा मीठा अचार बना के रख लो, और पराठे के साथ, पूड़ियों के साथ, चपाती के साथ, आप किसी चीज के भी साथ खाओ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसे स्पाइसी नहीं होता और साथ में ये बहुत ही टेस्टी होता है, स्वीट होता है इसलिए। तो आज मैं बताऊंगी आपको करौंदे का मुरब्बा बनाना है या करौंदे का खट्टा मीठा अचार लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी और बताऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम आप आई है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और जो बेल आइकन है उसे टन 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 करके हिट करना है, क्योंकि अगर उसे आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप टेस्टी टेस्टी जो मेरी रेसिपीज है वो आप मिस कर देंगी। तो और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और कॉमेंट में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और कॉमेंट तो आप करते नहीं हो, तो इसलिए कॉमेंट करके आपको पूछना है और लाइक भी करना है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या ये मैंने लिया है 250 ग्राम करौंदा, जिसे मैंने अच्छी तरह क्लीन करके और इसके सारे सीड मैंने बाहर कर लिए हैं, ये देखिए। और इसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है, बिल्कुल ताजे फ्रेश करौंदे लिए हैं मैंने मुरब्बा बनाने के लिए। तो चलिए मैं अब बताती हूँ इसको कभी से बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा करौंदा है इसे साइड में करेंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसे हम हीट करेंगे, और पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे, क्योंकि जो हमारा कोई भी फ्लेवर हो, चटनी हो या मुरब्बा हो, कोई भी मुझे घी के फ्लेवर बहुत पसंद है। तो मैं इसमें 2 स्पून घी ऐड करूंगी, ये देखिए। अब इसको मैं ज़्यादा हीट नहीं करूंगी, कम ही हीट करूंगी, बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। और इसमें जो हमारे जिसमें थोड़ा सा मैं कोई भी डिश बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी हींग का तड़का ज़रूर लगाती हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा 1 पिंच हींग डालूंगी, ये देखिए। मैं स्ट्रांग हींग लिया है, तो इसका रामदेव बाबा का, तो इसमें थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी, ये देखिए, बिल्कुल थोड़े से। और इसे जलाएंगे नहीं, अब इसमें मैं जो हमारा करौंदा है उसको इसमें मैं ऐड करूँगी, ये देखिए, जो ताज़े करौंदे हैं उसको इसमें हम ऐड करेंगे। आप करौंदा बनाने से पहले सीड निकालने के बाद भी इसे आप अच्छी तरह क्लीन कर लें, नहीं तो आपका वो जो करौंदा है उससे करवाहट आएगी। तो अगर आप इसे क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह सीड निकाल के बाहर, तो ये बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगेगा। तो इसे देखिए, मैंने तेज बिल्कुल फुल फ्लेम पर इसे सौटे कर लेंगे। इस तरह अगर आप इसे चाहें तो आप इसे 2 से 3 मिनट कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करौंदे जो मैंने पानी में धोए थे तो इसे पानी ये छोड़ सकता है, तो इसे मैं 2 मिनट कवर कर दूंगी। 2 मिनट कवर करने के बाद फिर इसे एक बार चेक करेंगे। चलिए 2 मिनट हो गया है, आइए इसे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे करौंदे थोड़े थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं मुझे इस तरह, और इसे जो घी का फ्लेवर आ रहा है वो तो इतना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं, बट मुझे इसका फ्लेवर अच्छा है इसलिए मैंने इसमें डाला है। अब इसमें मैं डालूँगी शुगर। आपने देखा होगा कि शुगर की चाशनी बनाने के बाद इसमें लोग करौंदे को ऐड करते हैं, बट मैं साथ में ही सारे करती हूँ, अलग करने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो करौंदों में मैंने 250 ग्राम करौंदे हैं मेरे, तो मैंने 250 ग्राम के लगभग ही शुगर लिया है इसमें, और इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। पानी जो हमारी चाशनी है वो बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए पकाने के लिए, तो इसलिए इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह चलाएंगे। गैस का जो हमारा फ्लेम है उसे बिल्कुल फुल रखेंगे और फुल फ्लेम पे ही इसे हम पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे कवर भी कर सकती हैं, या अगर चीनी जब तक नहीं घुल जाए तब तक आप इसी तरह भी पका सकती हैं, हिलाते रहिए। और चलिए इसे कवर कर लेते हैं अब हम।
इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख लेंगे, गैस का फ्लेम फुल ही रहने देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी है इसलिए गैस का फ्लेम फुल रहेगा। ये देखिए 7 मिनट हो गए हैं, चलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए जो हमारा शुगर है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है और इसमें उबाल भी अच्छी आ रही है और धीरे धीरे हमारा जो करौंदा है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इस तरह चलाएंगे, लेकिन इसे अभी ये बहुत ही थीन है इसका जो घोल है, तो इसको हम थोड़ा सा जब इसकी चाशनी है उसको गाढ़ी करेंगे तब इसको और पकाएंगे, क्योंकि हमारे करौंदे भी अच्छी तरह पके नहीं हैं। अगर आप चाहें तो इसे फिर कवर कर सकती हैं या आप खुले में भी पका सकती हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो ये देखिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए करौंदा तो लग रहा है कि जैसे पक गया है, बट जो इसकी चाशनी है वो अभी गाढ़ी नहीं हुई है। करौंदा तो पक गया है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है देखने से। ये देखिए कितनी अच्छी तरह दब गया ये, इसका मतलब करौंदा बिल्कुल पक गया है और चीनी इसमें अंदर तक चली गई है। अब चलिए इसको थोड़ा देर और पकाएंगे, जब तक कि हमारी चाशनी जो है वो अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए। तो इसको फुल फ्लेम पे पकाते रहेंगे और इसको लास्ट वाला जो प्रोसेस हमारा है साथ में रख के करें। अब इसको थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। जैसे ये मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक, काला नमक की मात्रा मैं बहुत ही कम डालूँगी इसमें, हाफ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक डाला है। और इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड करूँगी, जिससे थोड़ा सा चटपटा लगे। तो ये चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी मैं। और अगर इसमें आप थोड़ी सी मिर्च का पाउडर अगर आप डाल दें तो जो इसका टेस्ट है वो और भी यम्मी हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ी सी, ये क्या 2 पिंच जो हमारी है लाल मिर्च पाउडर वो। और गैस का फ्लेम अभी थोड़ी देर के लिए हम मीडियम कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सीरा है जो हमारा वो उबाल हो रहा है बहुत, तो इसे थोड़ी सी गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर से जो हल्का हल्का तीखा आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसमें बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च मिला है, 1-2 पिंच मिला है, क्योंकि बच्चे अगर खाएंगे तो उन्हें तीखा पसंद नहीं है तो वो नहीं खा पाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए टर्मरिक पाउडर मिलाऊँगी, बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर इसमें मैं मिलाऊँगी और उसके बाद आगे का प्रोसेस चलिए देखते रहिए कि क्या करती हूँ मैं। तो इस तरह ये जो हमारा घोल है, ये देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें मिलाया है, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें हल्दी पाउडर, ये नहीं कि बहुत सारा मिला दे, 1-2 पिंच मिलाया। और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, इस तरह ये देखिए ये हमारा जो करौंदा है अच्छी तरह पक गया है, बट इसकी घोल अभी सही नहीं है, इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए हमारा करौंदा बनके बिल्कुल अब तैयार हो गया है। अब इसके गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा करौंदा बन के बिल्कुल तैयार है और इसकी चाशनी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है और देखने में भी बहुत यम्मी लग रहा है। आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे चाहे तो 10-15 दिन तक भी स्टोर करके रख सकती हैं। तो ये है टेस्टी सा करौंदा का जो हमारा मुरब्बा है वो। तो कैसा लगा ये आपको? तो ये बताया मैंने आपको टेस्टी सा करौंदे का मुरब्बा बनाना, जो बहुत ही टेस्टी है, और आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है तब तक, ताकि मैं इसे जानूं। और आपको और भी कुछ नई नई वीडियोस जो आप जानना चाहती हैं, कोई और नई रेसिपीज आप जानना चाहती हैं, जो एक ही रेसिपी आप खा खा के बोर हो गई है, तो किसी भी आप रेसिपी का नाम लीजिए, उसे मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना के बताऊंगी जो आप खा के बहुत बहुत बोर हो गई है।
तो आपको मेरा करौंदे का अचार कैसा लगा, खट्टा आपको मेरा करौंदे का खट्टा मीठा अचार कैसा लगा जरूर आप बताइए मुझे। तब तक चलिए किसी ने वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।